प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मचे घमासान की बड़ी खबर क्या है? प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, भगवान के दर्शन के लिए न्योते की जरूरत नहीं, अखिलेश यादव ने कहा। भगवान बुलाएंगे तो अपने आप चले जाएंगे, हमारा मंदिर बनेगा तो हम भी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। भगवान के लिए, दर्शन के लिए, मंदिर जाने के लिए न्योता चाहिए आपको? जब कभी मैं बनारस आया हूँ या मैं दर्शन करने गया हूँ भोले बाबा कहीं, या मंदिर का क्या मुझे न्योता मिला था वहाँ से? किस जमाने से मैं आ रहा हूँ वहाँ? और यहाँ जितने लोग खड़े हैं, ये बताओ आप जाते हो दर्शन करने, क्या आप न्योता से जाते हो क्या? जब भगवान बुलाएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे। और ये हमारे देश की तो परंपरा ऐसी है कि कुछ लेट के जाते हैं, कुछ गोल गोल घूम के जाते हैं। देखिए, ये हम और आपकी श्रद्धा होती है, हम किस तरीके से भगवान के पास जाएं। तो कई लोग अपने शरीर को कष्ट दे करके और उस हिसाब से जाते हैं। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं, समय समय पे अपने घर परिवार में, गांव में मंदिर बनाते हैं। हम भी, हमारा भी मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, हम भी प्राण प्रतिष्ठान करेंगे, उसमें क्या है? राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण पत्र मिल गया है। कल उन्हें निमंत्रण दिया गया, विरोधी राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिए जाने पर लगातार सवाल खड़े कर रहे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता अध्यक्ष आलोक कुमार और आरएसएस नेता रामलाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कल अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया। बीएसपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र सौंपा गया। उन्होंने इस पर अत्यंत हर्ष व्यक्त किया और कहा कि वो अयोध्या आने के लिए शीघ्र ही समय तय करेंगी। इसके पहले राम मंदिर समारोह में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को 11 जनवरी को निमंत्रण पत्र दिया गया था। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं अपनी 3 पीढ़ियों के साथ निश्चित तौर पर अयोध्या धाम आऊंगा और आपको समय के बारे में बताऊंगा। मैं निमंत्रण पाकर अभिभूत हूं। हमारे संविधान के आवश्यक मूल भगवान राम से लिए गए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित हजारों लोग शामिल होंगे।